एक बार फिर से मेरे न्यूज टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार में सभी तरह के स्कूल खोलने का फाइनल डेट का ऐलान बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। स्कूल खुलने से पहले सभी शिक्षक एवं छात्रों को टीका लगाना अनिवार्य। डीओ करेंगे टीका लगवाने का व्यवस्था। वीडियो को देखेंगे विस्तार से। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। 7 अगस्त से 9वीं 10वीं कक्षा वाले स्कूल खोलने का आदेश। 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं भी होगी संचालन। राज्य सरकार की ओर से अनलॉक 5 के दौरान 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं कक्षा वाले स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इसके बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। स्कूल कैंपस और कक्षाओं में फर्नीचर उपकरण स्टेशनरी स्टोर रूम पानी टंकी लैब लाइब्रेरी की सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराने की तैयारी। गुरुवार शिक्षण संस्थान में हाथ सफाई की सुविधा को एक्टिव करना है। साथ ही शिक्षण संस्थान खुलने के बाद कैंपस एवं आसपास के क्षेत्र के नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई की मॉनिटरिंग करनी है। पर्यावरणीय सफाई एवं शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा पेयजल और जल निकास का प्रबंधन किया जाना है। सभी शिक्षण सामग्रियों का भी सैनिटाइजेशन करना है। बाथरूम एवं शौचालय को भी नियमित अंतराल पर सफाई कराना है। हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं पानी की व्यवस्था के लिए कर्मी को तैनात करना है। 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे स्कूल। सभी स्कूलों में 9वीं एवं 10वीं कक्षाएं 7 अगस्त से और 16 अगस्त से 1ली और 8वीं तक की कक्षाएं विद्यार्थी की 50% उपस्थिति के साथ खुलेगा। प्रत्येक विद्यार्थी एक दिन बीच कर स्कूल जाएंगे और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के MDM का संचालन बंद रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने समन्वय कर लेना है और टीका शिक्षा विभाग की ओर से DO के निर्देश दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थान के व्यवस्था विद्यार्थियों एवं शिक्षकों कर्मियों के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की जाए। वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।